यहाँ पे हमने छोटी अनियंस ली हैं जिनको हमने छिलके निकाल के इस तरीके से डाइस आउट नहीं किया हमने, सिंपल इनको ऐसे होल रहने दिया है। थोड़े से मटर, थोड़े से टमाटर, अदरक, सिनेमन पाउडर, थोड़ी सी क्लोव्स, काली मिर्च होल, और कुछ और मसाले लगेंगे जो साथ साथ में हम जब हम ऐड करेंगे तब हम डालते हैं। सबसे पहले पैन गरम कर लेते हैं और थोड़ा सा बटर और थोड़ा सा सरसों का तेल दोनों मिक्स करके ऐड करते हैं और स्टार्ट करते हैं हम अनियंस और मशरूम्स को सबसे पहले फ्राई करना। ऐड करते हैं हमारे अनियन की छोटे अनियन लिए हमने अच्छे से चलाते होंगे। ऐड करेंगे थोड़ा सा जीरा पाउडर, हल्दी, करेंगे मटर,
इसके लिए तड़का तैयार करेंगे। थोड़ा सा ऑयल या बटर लेते हैं, इसमें ऐड करेंगे हम लौंग और काली मिर्च और जो ये हमारी सिनेमन पाउडर था वो हम इसमें ऐड कर देते हैं और यहाँ पे तड़के को गर्म कर देते हैं। ऐड करते हैं अदरक, और ऐड करते हैं मिंस्ड गार्लिक, तड़के को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं सब्जी में और कवर करते हैं। फाइनली ऐड करते हैं 1 टेबल स्पून के अराउंड कर्ड, बस 3 से 4 मिनट इसको आप कवर करके कुक करिए, आपकी सब्जी बनके तैयार है। गार्निश कीजिए इसको फ्रेश धनिया से और वीकडेज के लिए लंच के लिए बढ़िया हमारी मशरूम की लिटपिटी मशरूम प्याज की करी बनके तैयार है। ऐड करते हैं थोड़ी सी फ्रेश क्रीम, फ्लेम ऑफ करते हैं और उसको अपनी हीटिंग कुक करते हैं।